हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार नाचकानी फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इंडियन फूड विद दिलीप में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आटे के चीले। चीले बनाने के लिए आपको किसी के ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सामग्रियाँ लेनी है। क्या सामग्रियाँ लेनी है, चलिए मेरी किचन में मैं आपको बताता हूँ किस तरह मसालेदार आटे के चीले बनाए जाते हैं और बच्चे बड़े सब इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। चलिए चलते हैं किचन में। गेहूं के आटे के चीले बनाने के लिए हम एक बाउल में आटा लेंगे। गेहूं का आटा करीब हमने ये आधा किलो आटा लिया है। यहाँ हम 5 लोगों के लिए चीले बना रहे हैं, इसमें कम से कम 12-14 चीले बन जाएंगे। तो ये हमने आधा किलो आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा हम बेसन मिक्स करेंगे। आधा किलो आटे में हमने 1 टेबल स्पून बेसन मिला देना है। बेसन हमने यहाँ इसलिए मिलाया है कि इसमें फ्लेवर चेंज हो जाता है और चीले खाने में और ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। चीले में मिलाने के लिए हमने मीडियम प्याज लिए हैं 4, और 1 टमाटर लिया है बड़ा, 3 मिर्च ली है। मिर्ची आप घटा बढ़ा सकते हैं स्वाद के हिसाब से। ये हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे, बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे। फाइन चॉप इसलिए करेंगे, अगर हम मोटा रखेंगे तो हमें चीले मोटे बनाने पड़ेंगे। जितना हम बारीक इसको रखेंगे, टमाटर प्याज और मिर्च को, उतना ही हम बारीक चीले बना सकते हैं। चीलों में डालने के लिए हम थोड़ा हरा प्याज भी ले रहे हैं, ये कटा हुआ है, हमने चाकू से काटा है, अभी इसको और फाइन चॉप करेंगे। तो ये चॉपर में डाल रहे हैं और साथ में इसको चॉप कर लेते हैं। सारी वेजिटेबल्स को हमने यहाँ एक साथ ही चॉप कर लिया है और इसको अब हम बाउल में डाल के और मिक्स कर लेंगे। घोल बनाने के लिए हमें ये बाउल छोटा पड़ रहा है, तो इसलिए हम एक बड़ी भगोनी ले रहे हैं और उसमें ये मिश्रण मिक्स कर देंगे। इसमें हम बारीक धनिया भी डाल रहे हैं कटा हुआ। ये अनारदाना है, 1 चम्मच अनारदाना ऐड किया हमने, इससे आपके चिल्ले का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। नमक स्वाद के हिसाब से डाल रहे हैं। लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, हींग 1/4 चम्मच करीब, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे पानी ऐड करते हुए और मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करते समय ध्यान रखिएगा लम्स ना पड़े। ये देखिए तैयार हो गया चीले का घोल। अब इसे हम 5-7 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे और तब तक हम भी रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे घोल का रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब चिल्ले शुरू करते हैं बनाना। तवा रखते हैं गैस पे, इस पे थोड़ा सा घी लगा के थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे चारों तरफ से, ताकि ये चिपकने नहीं पाए। इसको ढक देंगे 1 मिनट के लिए। ऊपर ये स्टीम से पक गया है और नीचे से ये फ्राई हो गया है। अब इसे पलट के देखते हैं कैसा बना है। चिल्ला
देखिए, सॉफ्ट अंदर से और बाहर से क्रिस्पी, गर्मा गर्म चिल्ला तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे, दही और चटनी सॉस, टमाटो सॉस इनके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।